लाइफ तो खत्म हो चुकी है, मैं तो एक साल की मरी हुई हाँ। जे मैनू कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी सारी मेरे सहुरा परिवार मैडम नरिंदर कौर जिद को मेरा केस चल रहा वा मोहम्मद सैल ये जिम्मेवारी ओह चुकणगे। मैनू इतों तक धमकियां दित्तियां गई, मेरे सहुरे परिवार को रिवालवर हुए, मेरे हसबैंड भी आए हुए आ 15 तरीक के, वह धमकियां देंदे हुए आ कि जी धमकियां देंदे हुए कि जे तू केस वापस ना लिया अपना ज्यों मेरी बेटी व्याही आ बस कुट मारी इन्हां दी नहीं कुटदा मारदा रहा। मेरे हसबैंड जो 4 महीने पहला रहे से पहला वो कुड़े मारते रहे से इन्हों चुकना पिछे आ के कि जो ये कहदियाँ से वह मेरे हसबैंड करते जे मतलब भी मुड़ के इन्होंने मेरे हसबैंड बहर चले गए फिर इन्होंने मैनू पिछों मंग की कि 10 लाख रुपया लिया के दे मेरी सस मेरी ननाणवैया ने क्योंकि मेरे ननाणवैया के सिर पर कर्जा बहुत है। इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया लिया के दे सानू लोड़ आ मेरे मापे कितों दे सकते इन्हों 10 लाख रुपया। फिर नू गड्डी की मांग की मेरी नाना ने जे इस घर वसना वा तो गड्डी लेके आ तो मेरे इतों तक भी कहा गया कि साढ़े भरा के घर कोई न्याणा नहीं हो सकता तेनों मेरे मतलब मेरे हस मेरे जो नाना मैंता मेरे न संबंध तेन रखने पैने आ। हाँ जी उन्होंने मेरे बस लो कि मेरे छेड़छाड़ करता रहा इस गल मैं अपने मापियां नू कुछ भी नहीं दस्या होया। मेरी सास नू भी पता मेरी नाना नू पता ही सब कुछ चलता साढ़े घर। मेरा नाना भैया पुलिस मुलाजम। हाँ जी 5 महीने हो गए नहीं कोई कारवाई नहीं की क्योंकि पुलिस मुलाजम आ उन्हें मैनू शरेआम धमकी दी हुई है तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं मंग यो करना चाहनी हाँ कि मैनू इंसाफ मिलना। जी रणजीत कौर का मसला उहदा घर वाला जर्मन गया जी तो जर्मन विखे गया होने करके विचोलों मतलब घर का मैंबर फादर की डैथ हो चुकी है उसके हसबैंड की मतलब सहुरा साहब की सस ही टूरिस्ट वीजे से बाहर गई हुई थी जी आप किसी पार्टी के नाल गल करनी सी ननाना दोनों वही हुई सी बिच वो ननान पा के आप फैसला करते रहे अज तक जो कि फैसला 7 लाख तक तय होया। उस तो बाद मतलब मदई पार्टी ने कह दिता कि सानू मतलब ये फैसला मंजूर नहीं गा असी 10 लाख रुपए तो घट कोई मतलब पैसा नहीं गा लेना इस करके हम इस बात मतलब जो फैसला यदा मतलब विचारधीन चल रहा जी। नहीं जी दोस्त वो मतलब उस लड़के अपने घर वाले की हसबैंड की गड्डी लैके शॉपिंग करती रही है जिद कैमरे दोटो हसबैंड की अपनी मतलब जो बाहर जाने बाद अपने हसबैंड की गड्डी यूज करते रहे अपनी शॉपिंग वास्ते फतेहाबाद तक उन्होंने गड्डी जी हसबैंड की जाती रही है। मेरा नाम राज खोर है नरंगाबाद। मैं बेटी व्याही ही तो बेटी व्याह के मैं कर खिलाती बाद इन्होंने बस ज्यों मेरी बेटी व्याही आ बस कुट मारी इन्हों की नहीं कुटता मारदा रहा तो बेटी मेरी मैनू दसदी रही आ तो मैं अपने परिवार को नहीं घर का दसिया मैं आख्या मेरी बेटी दूजे थां ते आ मेरी बेटी वसना चाहती हाँ मैं भी मेरी बेटी वसे पर इन्हें मेरे न बहुत न्यक की आ। एक बार इन्हें रात 12 बजे मेरे बेटी ने बहुत मारिया मैं इन्हों इन्हें मेरी बेटी मेरे ने फोन किया मैं फिर भी इन्हों घर नहीं गई मैं फिर भी विचोला घलाया भी जा मेरी बेटी का पता करके आ की गल हुई है। विचोले ने जाके उ माफिया मंगा के चुनिया रखा के कहते फिर मैनू आता कोई गल नहीं चुनिया मेरी बेटी दया उन्होंने पैरों से रखा के आ गया पता नहीं इन्हों घर की मामला चलता मैनू नहीं कोई पता। हाँ जी ये तो हूँ सानू बेटी ने माड़ा जहा दसा सानू तो कोई गल नहीं दसी बेटी ने। हाँ जी अं दिखा वा महिला मंडल भी हैगी साड़ी कोई कारवाई नहीं हुई अं तो बहुत दुखी हाँ वो पुलिस दे विच आ की पता हूँ पुलिस इन्होंने ना रली है जो पुलिस ना रलिया सानू तो कोई न्याय नहीं मिल दिया सू तो कि न्याय नहीं मिलता अं तो यो मंग करते हैं भी जो सानू न्याय वा मिलना चाहिए तो जो भी है हक फिर साढ़े नाल जो होगा फिर चलो। काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर बाबा रहमत खान 2 घंटे च कर बैठे समाधान वशीकरण करना जां तोड़ना प्यार विच धोखा लव मैरिज पति पत्नी विच अणबण सौतन दुश्मन दा नाश अते लाटरी नंबर दे माहिर बाबा रहमत खान धोखा खादे लोग सानू एक बार फोन जरूर करो संपर्क 7039981।